चेक कैसे करोगे कि अपनी खुद वीडियो अपोटाइज हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। सारी वीडियोस के नीचे आपके वीडियो शो होने लगती है। बताने वाला हूँ कि आप खुद ही पता कर सकते हो अपनी वीडियोस पर कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग, आप लोग देखिए, एक दो लोग नहीं, बहुत लोग, मैक्सिमम लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं इस कैटेगरी पे इस तरीके की वीडियो बना के काम कर रहा हूँ और काफी समय हो गया मुझे वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मेरा भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप ये बता दीजिए कि मेरा चैनल इस तरीके का मैंने बनाया है तो मोनेटाइज होगा। मैं वॉइस ओवर करता हूँ कि मेरा चैनल ये इस तरीके का है, मोनेटाइज होगा। मैं किसी की वीडियो पे वॉइस ओवर करके अपलोड करता हूँ, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल्स आती है, मैसेजेस आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हो, कि मतलब कि आपको लगता है मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, इसलिए आप मुझसे पूछते हो। क्योंकि वैसे भी आप लोग जानते हो मैं टैक्स से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाता हूँ और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सलूशन देता हूँ, ठीक। इसीलिए तो आप बनता है कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार मुझे नॉलेज भी है इसी तरीके की प्रॉब्लम का सलूशन देने की, किस तरीके से काम करेंगे, कैसे काम करना चाहिए, सब कुछ बताते रहते हैं, ठीक है। तो अब आप चेक कैसे करोगे कि अपनी खुद वीडियो अपने हाथों से कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये भी ये जो वीडियोस है वो हम मोनेटाइज हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा, कि हम काम करते जा रहे हैं और बाद में पता चले कि भाई ये तो गलत तरीके से आप वीडियोस बना रहे थे जिसमें तो मोनेटाइज होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि देखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका भी फायदा है, और वीडियो पे कमेंट करने के लिए मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उसमें भी आपका फायदा है। क्यों फायदा है? देखिए, मान लीजिए अगर आप हमको लाइक करते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं, तो क्या होता है ना, जिस जिस जीमेल से आपका चैनल है, ठीक है, उसी जीमेल से अगर आप हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जब भी आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं ना, तो जो सामने वाला बंदा है ना, जिसको आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर रहे हो, तो उसके जो वीडियोस होती है उसकी कहीं ना कहीं वीडियो के नीचे आपकी भी वीडियो सजेस्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जैसे नहीं, मान लीजिए हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो हम अपनी एक हाजिरी देते हैं कि हाँ, मैं आज यहाँ प्रेजेंट हूँ। तो उसी तरीके से जब भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं और आपके लिए प्रोवाइड करके अपलोड करते हैं, तो आप लोग भी वहाँ वीडियो देखते हो, लेकिन हट जाते हो, ना लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो। अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, तो क्या होता है कि हमारी वीडियोस के नीचे आपके वीडियो शो होने लगती है धीरे धीरे, तो हमको भी पता चलता है हाँ, ये बंदा हमारी वीडियोस को देखता है, और हम लोग कमेंट के थ्रू आपको देख लेते हैं कि हाँ, ये बंदा एक्टिव रहता है। तो हम लोग भी आपके लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ भाई, लाइक किया करो, ठीक है, वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट जरूर किया करो, जिससे कि हमें भी पता रहेगा कि हाँ, हमारी फैमिली ये बंदे जुड़े हुए हैं, और आपका फायदा ये रहता है कि हमारी वीडियोस के नीचे आपकी वीडियोस भी चलने लगती है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। अब देखिए भाई, चेक कैसे करेंगे हम कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, किस तरीके का? हाँ, बहुत से लोग, सबसे पहले मैं बताता हूँ शॉर्ट क्रिएटर और लॉन्ग क्रिएटर दोनों के लिए बताऊंगा कि आपको करना क्या होता है अपनी वीडियोस को चेक करने के लिए। मान लीजिए कि आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया, किसी भी पार्टी में गए हो और आपने रिएक्शन टाइप का वीडियो शूट किया, और वहाँ पर कोई भी सॉन्ग लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है, कोई भी सॉन्ग लगा दिया, या तो मैंने बाहर से कोई सॉन्ग लेकर लगा लिया उस पर, या फिर मैंने यूट्यूब के जो म्यूजिक वाला सेक्शन है वहाँ से हमने सॉन्ग लेके लगा लिया, ठीक है। तो बहुत से लोग क्वेश्चन ये बोलते हैं कि मैंने सॉन्ग लगाया, यहाँ पर कॉपीराइट आएगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट वीडियो पर आप किसी भी तरीके का, बहुत से लोग आपको डराते हैं, परेशान, मतलब डरा देते हैं एकदम कि आप बाहर से सॉन्ग मत लीजिए, यहाँ से ना लीजिए, आप कहीं से, ओवरऑल कहीं से भी सॉन्ग लीजिए, कहीं किसी का भी सॉन्ग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपका वीडियो है, ठीक है, आपका वीडियो है, चाहे आप यूट्यूब से सॉन्ग लीजिए, चाहे आप अदर इंस्टाग्राम से सॉन्ग लीजिए, बहुत से सॉन्ग लीजिए, कहीं से ओवरऑल सॉन्ग से ले लीजिए, अगर वीडियो आपका है और उसके ऊपर आपने रिएक्ट किया है, अपना वीडियो बनाकर और अपलोड किया है, तो किसी तरीके का ना क्लेम आएगा आपके में, ठीक है, ना ही किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी आपके चैनल पर, ना ही किसी तरीके के का मोनेटाइजेशन में एरर आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट क्रिएटर जितने भी होते हैं ना, उनके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हम काम तो कर रहे हैं, गाना यूज़ कर रहे हैं, कहीं हमारा चैनल ना मोनेटाइज हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हो, ठीक है, आपका चैनल मोनेटाइज होगा। आप चाहे गाना बाहर से लो, या यूट्यूब से लो, या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से लो, या किसी भी वेबसाइट से लो, कहीं से भी लो, ओवरऑल मतलब ये है कि आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली। और दूसरी बात रहती है, देखिए जब भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, अब क्या है, बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो अगर बनाते हैं,
कि मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले चीज मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन स्क्रीन जो होता है ना, ग्रीन स्क्रीन मान लीजिए हमारे बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन है और हमने वीडियो के ऊपर कुछ भी रिएक्ट किया, किसी भी तरीके का कुछ भी रिएक्शन दिया है, तो वहां पर क्या होता है कि ग्रीन स्क्रीन के जो मान लीजिए हमारा ग्रीन स्क्रीन है, ये फर्स्ट लेयर है। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई लेयर्स क्या होती है, जब हम वीडियो को एडिटिंग पर करते हैं, एडिटिंग एडिट करते हैं, उसमें लेयर्स का डाउट सबसे ज्यादा होता है लोगों के मन में। सबसे पहले चीज समझिए लेयर्स क्या होती है। लेयर्स ये होती है जब हम वीडियो को एडिट करते हैं, जैसे कि आप काइन मास्टर से एडिट कर रहे हो, तो ये जो हमारी मेन लेयर होती है जहाँ पर हमारा वीडियो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर, ठीक है। फिर उसके ऊपर जब हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं वीडियो में कि मैंने ये ऐसा किया ऐसा किया, तो उसको साइड में दिखाने के लिए वो सेकेंड लेयर होती है, ठीक है। अब मान लीजिए उसके ऊपर भी हमें कुछ साइड में और कुछ दिखाना है, उसको थर्ड लेयर बोलते हैं। जो हमारी मेन लेयर होती है, जैसे मान लीजिए हमने ग्रीन स्क्रीन के लिए, मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। हाँ 100% मोनेटाइज होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया, इंडियन आइडल की वीडियोज डालकर पैसे कमाता है बंदा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके देखिए कैसे काम करता है, ग्रीन स्क्रीन पे काम करता है और चैनल भी मोनेटाइज है, $45 भी बना दिया, डेली का $5 बन रहा है। तो कैसे किया है, माइंड लगाया उसने। तो ऐसे ही आपको भी माइंड लगाना है, काम करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट लेयर थे, फर्स्ट लेयर पे आपका ग्रीन स्क्रीन हो गया, उसके ऊपर आपका थर्ड सेकंड लेयर हो गया, जो भी आप वीडियो प्रेजेंट कर रहे कहीं से भी आपने लिया है। क्योंकि जब भी हम अपनी वीडियो के ऊपर कोई वीडियो लेते हैं तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। हाँ कॉपीराइट क्लेम आने का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि देखिए वीडियो उस बंदे का, अगर वो क्लेम मारना चाहेगा तो आपको मार देगा, उसका सारा अर्निंग आपको उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, क्लेम मार सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेयर के ऊपर, अपनी लेयर के ऊपर दूसरा वीडियो का लेयर लेके वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हो, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। शॉर्ट वीडियो हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं क्रिएट होती। अब बात आती है दोस्तों लॉन्ग वीडियो की। लॉन्ग वीडियो में बहुत लोग क्या कहते हैं कि मैंने फोटो लिए है, गूगल से लिए है, या फिर जो इंजन सर्च इंजन मैंने है एक एप्लीकेशन, वहां से मैंने फोटो सर्च करके लिए हैं और वहां पर वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा? तो बिल्कुल क्यों नहीं मोनेटाइज होगा भाई। देखिए क्या होता है ना, आपने फोटो ली है और उसके ऊपर अपनी वॉइस जब हम अपनी वॉइस डालते हैं ना, तो किसी भी तरीके की एरर नहीं होती है, आपका चैनल 100% 101% मोनेटाइज होता है। और बहुत से लोगों के क्वेश्चन एक और रहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमने गूगल से फोटो ले लिया, कहीं से भी फोटोज ले लिए, ठीक है, और उसमें लोगो आ रहा है किसी भी कंपनी या किसी वेबसाइट का, या किसी भी तरीके का लोगो दिख रहा है, तो क्या वो मोनेटाइज होगा? देखिए सबसे पहली चीज होती है, अगर आपकी फोटो के ऊपर लोगो आ रहा है या किसी भी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर लोगो आ रहा है, तो आपका वो मोनेटाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वो रियूज कंटेंट में आता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से लिया है। लोगो नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके का, अगर आप वीडियो बनाते हैं या फिर आप अपनी वॉइस ओवर करते हैं किसी भी फोटोज के ऊपर, तो उसमें लोगो नहीं आना चाहिए, किसी कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ उनके प्लेटफॉर्म से आपने लेके डाला है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो लोगो वो होते हैं ना, इनसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इनकेस हो जाती है, जरूरी नहीं है 100% की होगा ही, 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि लोगो वाला, अगर लोगो है तो उसको मत लीजिए, ऐसा लीजिए फोटो या वीडियो जहाँ पर लोगो ना हो। और वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं फोटो ले रहा हूँ और AI वाइज अपलोड कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले से तो आज के टाइम का मैं बता दूँ आपको, जो जितने भी वेबसाइट हैं, ठीक है, AI वाली, अगर आप वहाँ से AI वाइज लेते हैं और किसी भी तरीके का वीडियो बनाते हैं तो फोटो के ऊपर या कैसे भी हो, क्योंकि सब कुछ गूगल से लिया हुआ है, ठीक है, आपने सब कुछ गूगल से लिया, तो वहाँ पर मोनेटाइजेशन में एरर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम यूट्यूब ने बहुत चेंजमेंट कर दिया है, जिससे कि अगर आप वहाँ पर वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर आपका वीडियो में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपका रियूज कंटेंट यूट्यूब दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, और आप भी आगे काम कर रहे हो तो इस तरीके के कंटेंट में काम मत करो। अब बात आती है लॉन्ग वीडियो पर, अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करते हैं या किसी की भी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी का वीडियो ले लिया कहीं से भी प्लेटफॉर्म पे और उसके ऊपर वॉइस ओवर करके अपलोड किया, ठीक है, मोनेटाइज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने वीडियो किसी और का लिया है, सिर्फ आपने वॉइस डाली है। तो वीडियो आपका होना चाहिए, ठीक है, मेन चीज डिपेंड ये करता है, वीडियो आपका होना चाहिए, वॉइस भी आपकी होनी चाहिए, सब कुछ आपका होना चाहिए, तब आपका मोनेटाइज होगा। फोटो के ऊपर वॉइस ओवर आप करके पैसे कमा सकते हो, मोनेटाइज चैनल कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत से डाउट है लोगों के अंदर, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भाई मैं, जैसे कि मैं कपिल शर्मा की वीडियो डालता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कपिल शर्मा की अगर वीडियो डालते हो कैसे आपको डालना है, आपको डालने का तरीका होना चाहिए ग्रीन स्क्रीन का, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट लेयर, मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट लेयर आपका होगा तो कभी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। हाँ कॉपीराइट क्लेम आने का रहता है, उसमें अगर क्लेम आएगा तो पैसा आपका चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लेम अगर नहीं आता, आप सही तरीके से एडिट करते हैं, सही तरीके से ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो आपको कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए,
कैसे काम करना है, किस तरीके से मोटाइज करना है, सब कुछ मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो आप लोग सीखते नहीं हो, सबसे बड़ी चीज़ तो दिक्कत ये है, आप लोग सीखते नहीं। अगर आप सीखो तो कभी किसी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं। बहुत से लोग मानो मेरे पास आते हैं यहाँ पर सिर्फ इतना पूछने के लिए कि भैया ये बता दीजिए मेरा ये चैनल है ये मोटाइज होगा नहीं। क्यों भाई, जब मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, हर चीज वीडियो बनाकर, आज मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया कि भाई अगर आप ऐसा काम करोगे, ऐसे काम करोगे तो आपका चैनल मोटाइज नहीं होगा। ठीक है, आप इस कैटेगरी पे काम करो, ऐसे काम करना है, किस तरीके की वीडियो मोनेटाइज होती है, किस तरीके के चैनल मोनेटाइज नहीं होते, सब कुछ मैंने इसीलिए बताया। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके से काम कीजिए। दूसरों के वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर नहीं करना है, फोटो के ऊपर वॉइस ओवर करोगे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अगर वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करोगे मोनेटाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें समझना जरूरी होता है। काम करने से पहले पहले देखो, निश देखो कि किस निश पे आप काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, और आपका वो चीज मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये नहीं समझोगे ना तो भाई कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, और आप जैसे काम कर रहे हो ऐसे ही काम करते रहो। ठीक है, आई होप कि दोस्तों मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, और आपको पसंद आएगी, फर्स्ट बताइए ये हमारा स्टूडियो कैसा लग रहा है, ये हमारा कानपुर वाला स्टूडियो अच्छा लग रहा है ना। देखिए मैं यहाँ पर वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर हमारा ये वाला फ्लैट है जहाँ पर मैंने ये स्टूडियो बनाकर रखा हुआ, तो यही रहता है कि दोस्तों इतना टाइम मिल नहीं पाता है, आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोगों को अपने पुराने वाले घर के पास बुलाना पड़ता है। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा सा सेटअप, यहाँ पे ही बुलाऊंगा, स्टेशन भी पास में, यहाँ से लोग आराम से आ सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे सोल्यूशन ले सकते हैं। अब मिलते हैं किसी और, अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर लेना भाई, हम आपके लिए बहुत प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।